हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार सिंह और मेरे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन डोमिनगढ़, मेरे यहाँ से एक फ्रेंड आएगा उसको रिसीव करके। और by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. अगर आप लोगों ने तारामंडल का वीडियो नहीं देखा होगा, जो हाईएस्ट यहाँ का तिरंगा है, तो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग वीडियो में जा कर के मेरे पुराने वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है। चलिए चलते हैं सीधे चिड़ियाघर, फिर आप लोगों को चिड़ियाघर दिखाते हैं कैसा है। हमने टिकट ले लिया है, एक लोगों का 50 रुपया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को चिड़ियाघर। ये सर चिड़ियाघर का नक्शा है। ये है एंट्री में, जैसे हम लोग एंट्री करते हैं जैसे एंट्री होती है, और यहाँ से आप लोग नज़ारा देख लीजिए, अच्छा है, पूरा टाइल्स लगा हुआ है इधर। गौतम बुद्ध, ये देसी तोता है, आप लोग देखो, देखिए आप लोग दिख रहा है। ये सब वहाँ का होता है, क्या बोलते हैं, उड़ता है सारा। और ये लव बर्ड, लव वाले हैं सब, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वहाँ बैठा है, वो मिलता है दिखता है। अरे उधर बैठे, इधर ये बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें देखिए इधर सारे। नहीं तो नहीं होगी, रुकिए आप लोगों को दिखाते हैं इधर से, ये देखिए। हाँ देखो बड़ी वाली पत्ता, ये देखो, ये देखो पास एक बैठा है, नहीं वीडियो बनाना है तुझे, दोस्त बना रहा, देखो ये बना रहा है, काफी अच्छा बना रहा है, गई है बात का हुआ। हाँ देखो बहुत बड़ा बगीचा है, देखो हाँ तो कितना बड़ा हो, तो घर ही चल जाओ। इधर एक बंदर बैठा हुआ है,
और इसके लिए बहुत अच्छा सा झूला उला भी बना हुआ है। लोग देख लीजिए, बंदर है, दो है, एक उधर है और एक ये बंदर इधर बैठा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उधर आप लोगों को भालू दिख रहा होगा, आप लग रहा है जूम करके देखिए, इधर भालू है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आप लोग दिखा रहे हैं कितना बड़ा है ये सारा, कितना बड़ा है आप लोग देख रहे होंगे। और उधर है सांप, उधर सांप है। अभी चल के आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी एंट्रेंस उधर से है। हम लोग वहाँ से आए हैं अभी, तो चलते हैं। पानी की टंकी भी उधर लगी हुई है, चलिए दिखाते हैं। इधर कहीं बाघ भी था, शेर, आप लोग दिखाते हैं। और ये मेरा हेलमेट लेके ढो रहा है। चलिए, और जो मेरा फ्रेंड था उसको हम छोड़ दिए वहाँ पे। चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। बहुत बड़ा है, कम से कम, अरे अंदाजा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। गाड़ी भी लगी हुई है, अगर आप लोग पैदल नहीं आ सकते हैं तो गाड़ी कर लीजिए, कुछ किराया होगा उसका, फिर उसे आप लोगों को चारों तरफ से घुमा घुमा के दिखा देगा। चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत दूर है। आप लोगों को हिरन दिखाई दे रहा होगा, जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये बैठा हुआ है हिरन आप लोगों को सामने। लोग देखिए, शेर भी है, भैया लोग पास में बैठे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। काफी बड़ा शेर है, देखिए वो दिख रहा है। देखो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया है। चलिए माता, फिलहाल कभी और आएंगे तो आप लोगों को और दिखाएंगे अच्छे से। आप लोगों को दिखाते हैं, उधर बब्बर शेर लेटा हुआ है। रुकिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किधर गया, किधर गया, उधर उधर उधर, ए हाँ उधर उधर, वहाँ पर देखिए ये लेटा हुआ है। हम आप जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। रुकिए, उधर देखिए, देखिए वो से लेटा हुआ है, मस्ती से आराम कर रहा है, खाना ना खा लिया होगा तो लेटा हुआ है। इधर आप लोगों को अगर थक जाते हैं तो आराम करने के लिए भी बना हुआ है। और इधर शेर, ये गैंडा का स्टैचू बना हुआ है, और भगवान का ये मूर्ति है। लोग आराम कर रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अभी और दिखाते हैं क्या क्या है। इसी में शायद है गैंडा, पानी के अंदर होगा फिलहाल, अभी तो निकला है नहीं है। ये रहा, थोड़ा सा निकला, फिर निकला। आप लोग दिखा रहे थे कितना अच्छा हुआ है। उधर भगवान बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ है और लोग देख रहे होंगे, और इधर कुछ जानवरों का स्टैचू लगा हुआ है। इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मगरमच्छ, देखिए आ गया सांप घर। चलिए देखते हैं अंदर कौन कौन से सांप हैं, एक यहाँ पर है और एक सामने वाले में है। चलिए देखते हैं। चलिए सर, एक इधर सांप, जल्दी हो गया भैया, कौन सा सांप है? नाग, ये नाग, ये देखिए रसेल वाइपर है, यहाँ बैठा हुआ है रसेल वाइपर, ये उसका ये कोनिंग करा हुआ है, ये भारतीय अजगर। अभी ये देखिए शायद उस कोने में है, लोग दिखा रहे हैं जूम करके, देखिए ये भारतीय अजगर है, ये सबका नाम सबके सामने लिखा हुआ है। ये धामन है, वो देखिए वो शायद किनारे लेटी हुई है, देखिए वो धामनी जिसको कहते धमनिया सांप, ये धामन है, ये भी भारतीय अजगर है, ये काफ़ी बड़ा। आप लोग जूम करके दिखा रहे हैं हम, ये देखिए इधर है भारतीय अजगर, इधर है एक्यूरम। चलिए अंदर देखते हैं क्या है। ये है गोरखपुर का एक्यूरम, देखिए
बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोगों को ये पूरा गोरखपुर का चिड़ियाघर दिखा दिए हैं। अभी यहाँ पे बहुत चीज़ें आई हैं, बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं, तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम भी थक गए हैं, अभी घर भी जाना है। तो आप लोगों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को और लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। नीचे लाल बटन है, उसको दबा के शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।